आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज माफिया अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक की लगभग 20 बीघा जमीन गैंगस्टर एक्ट में कुर्क की गई है। अवैध संपत्ति की अनुमानित कीमत 12 करोड़ 42 लाख से ज्यादा है। अतीक अहमद ने राजमिस्त्री हुबलाल के नाम पर खरीदी थी ये संपत्ति और 14 अगस्त 2015 को कुल 16 संपत्तियां खरीदी थी। अतीक ने 14 लोगों को धमकाकर 16 प्रॉपर्टीज हुबलाल के नाम पर रजिस्ट्री कराई थी। अतीक अहमद और 4 अन्य के खिलाफ खुल्दाबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 2020 में दर्ज हुआ था। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद ने अपराध से जो तमाम बेनामी और अवैध संपत्तियां अर्जित की थी उसका लगातार खुलासा हो रहा है और पुलिस उस पर एक्शन भी ले रही है। माफिया अतीक अहमद की करीब 20 बीघे जमीन का पता चला है जो कि 5.0510 हेक्टेयर है। ये कटहुला गौसपुर इलाके में है। इस जमीन का पता लगा और इसे गैंगस्टर एक्ट में आज कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। कितने स्थानों पर यह जमीन थी और किस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है? ये कुल 16 गाटा संख्या है जो आसपास के क्षेत्रों में है। ये सबसे बड़ा गाटा संख्या था और आज ये सारी की सारी जब्ती की कार्रवाई इसमें पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा के निर्देश के क्रम में आज ये कर दी गई है। अच्छा सर, अगर इसमें जो मुनादी कराई जाती है किस तरह से उद्घोष किया जाता है और आगे अगर इसमें कोई खरीद फरोख्त करता है, कोई कब्जा करता है, उसके खिलाफ किस तरह की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाती है? नहीं, ये इसीलिए यहाँ पे हमने अपने जितने भी गाटा संख्या है उन पर ये बोर्ड चस्पा कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएगा। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।